दोस्तों आप लोगों को पता है कि साल 2016 में अगर किसी के पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 फोन उस वक्त रहता तो दोस्तों उसे फ्लाइट में सफ़र नहीं करने दिया जाता था। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है क्योंकि दोस्तों नोट 7 बहुत ही ज़्यादा फट रहा था, इस तरह की कुछ रिपोर्ट आई थी। आपको क्या लगता है आज के डेट में दोस्तों कौन सा फ़ोन है जिसको आप रख कर फ्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। दोस्तों मॉर्निंग में हमने वीडियो डाला है, टॉप 5 अमेजिंग थीम बताया हूँ MIUI 13 के ऊपर रेडमी नोट 10 प्रो पे, तो के दोस्तों वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कल के या आज के दोस्तों इंटरेस्टिंग फोन की बात है। दोस्तों हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके जो फोन है उसमें डुअल सिम आप यूज करते हैं आज के डेट में, तो दोस्तों 43% लोगों ने कहा कि हाँ करते हैं, बाकी के लोगों ने कहा कि नहीं करते, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग दोस्तों ज्यादा है जो नहीं करते। मैं भी दोस्तों नहीं करता हूं, इतने महंगाई में कौन दोस्तों दो सिम या दो बीवी नहीं हो रही है, दो सिम के बारे में बात कर रहे हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, आप यूज करते हैं या नहीं करते, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो धमाकेदार न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों, जितेंद्र ईवी, ये जो है दोस्तों जितेंद्र ईवी नासिक के एक दोस्तों शॉपकीपर है और वहाँ पर दोस्तों इन्होंने ओला का एक शोरूम खोला है जिसमें ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो दोस्तों सेल करते थे। तो ये दोस्तों सुबह सुबह मंगाए 20 से 40 स्कूटर इस तरह का आया और 20 स्कूटर में दोस्तों आग लग गया ओला का। दोस्तों इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों सस्ता तो है लेकिन आपके जान के हिसाब से दोस्तों सस्ता है या महंगा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दी। चलिए दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में दोस्तों 4 अमेजिंग फीचर्स आने वाला है जिसमें दोस्तों सबसे पहला जो होगा डाउनलोड टाइमर का होगा, दूसरा जो है दोस्तों मैसेज रिएक्शन का फीचर्स आएगा, तीसरा जो है दोस्तों पोल का फीचर्स, जैसे दोस्तों अभी अभी हमने पोल डाला था वो चीज, और दोस्तों ड्रैगन टूल्स करके कुछ आएगा, मतलब दोस्तों ड्राइंग से रिलेटेड कुछ इसमें रहेगा। इस तरह का 4 फीचर्स के साथ दोस्तों व्हाट्सएप बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाला है। आप दोस्तों व्हाट्सएप यूज करते हैं, अगर करते हैं तो दोस्तों हमें फॉलो करिए लेकिन हम नंबर नहीं देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप क्रिप्टो करेंसी के। इंडिया में दोस्तों जिस तरह से टैक्स मारा गया है क्रिप्टो करेंसी में, उसके बाद दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है मतलब इंडिया में जो दोस्तों यूजर्स है वो कम हो गए। पहले दोस्तों 79% था, अभी 52% हो चुका है। आप दोस्तों इन्वेस्ट किए थे क्रिप्टो करेंसी में, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, वो दोस्तों आ रही है प्राइस हाइक की, और इतना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है इस वजह से दोस्तों उबेर ने अपना जो दोस्तों कॉस्ट है मतलब फेयर जो है दोस्तों उसका प्राइस को हैक कर दिया है दोस्तों दिल्ली NCR में। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपके शहर में दोस्तों इसका प्राइस हाइक हुआ है या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ फेस्टिवल ऑफर की। तो दोस्तों अमेजोन का फेब फोन फेस्ट शुरू हो रहा है, 14 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल 17 अप्रैल तक जाएगा। तो दोस्तों जबरदस्त प्रोडक्ट इसमें मिल रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए चुपके से और मिठाई मेरे घर तक भेज दीजिए दोस्तों, रोजा चल रहा है शाम में जरूर खा सकते। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक अतरंगी न्यूज की, iPhone SE 2022, इसका दोस्तों जो प्राइस है iPhone 13 mini से भी ज़्यादा है। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, मतलब दोस्तों iPhone 13 mini एक तरफ और iPhone SE 2022 एक तरफ, दोनों में से अगर आप लेना का सोच रहे हैं तो आप कौन सा लेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो दोस्तों आज का जो सवाल है ऐसा है कि दोस्तों क्या बोला जाए, इतना लंबा सवाल है और अंकुश अग्रवाल ने दोस्तों सारी दिल की भड़ास और बातें कह दी है इसमें, लेकिन मेन मुद्दा इनका जो है दोस्तों कैमरा से रिलेटेड है। इनका सवाल है कि Redmi Note 10 Pro का जो कैमरा है दोस्तों दिन ब दिन जैसे जैसे अपडेट आ रहा है इनका कैमरा जो है डाउनग्रेड होता जा रहा है, लो लाइट में फोटो क्लिक करते हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नॉइस देखने को मिलता है। आपका दोस्तों फ़ोन में ऐसा हो रहा है, मेरे फ़ोन में हो रहा है और अंकुश भाई के फ़ोन में हो रहा है, आपके फ़ोन में हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों मेरा बस एक ही कहना है कि ये लोग जो कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं। अगर आपको Redmi Note 11 सीरीज बेचना है तो 10 का आप क्यों कर रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। ये चीज सही हो रहा है और ये हर ब्रांड कर रहा है या Xiaomi ही कर रहा है, कमेंट में जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Realme के। Realme का Q5 सीरीज दोस्तों लॉन्च होने वाला है 20 अप्रैल को चाइना में और कुछ फोन रीब्रांड होकर इंडिया में आएगा। अब ये दोस्तों इंडिया में जब आएगा Realme GT न्यू 3 तो दोस्तों पता ही है कौन सा है, लेकिन दोस्तों ये कौन सा फोन होगा, X7, X8, X9 इस तरह का दोस्तों होने वाला है, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Xiaomi की। Xiaomi 12 Lite इसका दोस्तों स्पेसिफिकेशन और दोस्तों डिस्प्ले साइज बाहर आ गया है। डिस्प्ले साइज जो है दोस्तों इसका 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ आएगा। स्नैपड्रैगन 778 का प्रोसेसर होगा, 6485 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट का
फास्ट चार्जिंग, इसका दोस्तों प्राइस कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, कमेंट में अपनी राय जरूर। वहीं दोस्तों बात करते हैं शॉमी की तरफ से, अगली खबर ये है और खुशखबरी ये है कि शॉमी का 12 सीरीज इंडिया में दोस्तों किडनी लेने के लिए आ रहा है। 27 दोस्तों अप्रैल को ये लॉन्च हो जाएगा। तो आधा किडनी को दोस्तों खा पीकर, पानी पीकर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और मजबूत करिए दोस्तों, 60-70 हज़ार रुपये हो सकता है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, आपने दोस्तों सुबह से कितना गिलास पानी पिया है कमेंट में ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं पोको C40 की। ये जो है दोस्तों इंडोनेशिया में लिस्ट हुआ है और डिज़ाइन आप देख के बताइए ये कौन सा फोन है, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो की। वीवो का दोस्तों कल लॉन्च इवेंट था और 3 प्रोडक्ट दोस्तों जबरदस्त आ रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि 3-4 किडनी लग जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। बात करते हैं दोस्तों वीवो का, सबसे पहले एक्स नोट, एक्स फोल्ड और दोस्तों उनका टैबलेट। बात करते हैं सबसे पहले एक्स नोट की। एक्स नोट में दोस्तों देखने को मिलता है 8th Gen 1 वाला प्रोसेसर, LPTO वाला दोस्तों डिस्प्ले 7 इंच का, और यहाँ पर दोस्तों 120Hz का डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों बैक की, गोरिल्ला ग्लास विक्टस की यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह दी गई है। बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का दोस्तों रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, और यहाँ पर दोस्तों जो चार्जिंग है 80 वाट का वायर्ड चार्जिंग, 50 वाट का दोस्तों वायरलेस चार्जिंग, 10 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, और इसकी जो प्राइस आई है दोस्तों 71,000 रुपये कन्वर्ट करके बता रहे हैं। बात करते हैं एक्स फोल्ड की, यहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले साइज है 8 इंच का है दोस्तों, खुलने के बाद के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा है सेम कैमरा सेटअप यहाँ भी दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये भी LPTO वाला दोस्तों 2K रेजोल्यूशन के साथ ये डिस्प्ले आता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बैटरी की, यहाँ पर दोस्तों जो बैटरी है थोड़ा सा कम है, 47 mAh की बैटरी वगैरह दी गई है। बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, प्राइस जो आया है दोस्तों इसका 1,20,000 रुपये दोस्तों कन्वर्ट करके बता रहे, इस तरह का होता है। बात करते हैं दोस्तों इसके टैप की, स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ आता है, और कैमरा जो है दोस्तों यहाँ पर 13+8 का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 8040 mAh की बैटरी और दोस्तों 67 वाट का फास्ट चार्जिंग, और इसकी जो प्राइस आई है दोस्तों कन्वर्ट करके 30,000 रुपये होता है इंडियन मनी के हिसाब से। आपको क्या लगता है दोस्तों प्राइस इसका कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसे इंडिया में आना चाहिए या नहीं, या आपकी क्या राय है इंडिया में कब तक आएगा कमेंट में ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो की। ओप्पो का F21 Pro ये दोस्तों आज लॉन्च हो जाएगा शाम में 7-8 बजे तक दोस्तों। इसमें का जो प्राइस है इंडियन मनी के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों 27,999 रुपये होने वाला है। आपकी क्या राय है इसमें दोस्तों, डायमेंसिटी 900 वाला दोस्तों प्रोसेसर देखने को मिलेगा, आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप वन प्लस की। वन प्लस की तरफ से दोस्तों पहली खबर है कि वन प्लस का दोस्तों वन प्लस 10R और दोस्तों इसका एस, ये 3 फोन दोस्तों जो आने वाले हैं। यहाँ पर वन प्लस 10 जो आने वाला है दोस्तों 9000 के साथ आएगा, डायमेंसिटी 9000, और ये दोस्तों लास्ट वाला 10R और एस जो है आने वाला है दोस्तों डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर के साथ आने वाला। वहीं दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि वन प्लस का नॉट CE2 Lite ये जो फ़ोन है दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है 28 अप्रैल को इंडिया में। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। ये दोस्तों अंडर 20,000 इस बार होगा या ऊपर जाएगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आईको न्यू 6 की। फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों कोई भी सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों थीम डालना चाहते हैं तो नीचे वीडियो को देखिए, और दोस्तों हमारे व्लॉगिंग चैनल को भी दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करिए कार वाला वीडियो को देखकर। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।